भी इस खेल से अच्छी तरह से वाकिफ है। ये खेल देश में अपनी पहचान के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इस खेल के जरिए एक नया मुकाम हासिल करने वाले लक्ष्मण सिंह भंडारी हैं और वे इस खेल के सितारे भी हैं, जिन्होंने आम रेसलिंग की दुनिया में न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है बल्कि युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम भी ये बखूबी कर रहे हैं। देश में आम रेसलिंग के इस बड़े नाम के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस खेल को देख के हमें हमारा बचपन अक्सर याद आ जाता है, क्योंकि ये खेल हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी समय पर, चाहे स्कूल टाइम रहा हो चाहे कॉलेज टाइम रहा हो, हमने जरूर खेला है। और यार दोस्तों के बीच तो शर्त इस पर खूब लगी है। लेकिन आपको मालूम है कि ये केवल खेल नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट तौर पर भी सामने है। और इस प्रोफेशनल स्पोर्ट के प्रोफेशनल खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ है, जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह भंडारी। सर बताइए, कैसे आप इस खेल से जुड़े और अब आपका अगला मोटिव क्या है? 89 में एक पार्क में मुझे इस खेल को खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। एक स्टेट गेम्स वहां पर हो रहा था, तो वहां पर उस टाइम मैंने जो स्टेट चैंपियनशिप थे उनको वहां हराया था। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, फिर मैं स्टेट चैंपियनशिप खेला। तो स्टेट चैंपियनशिप जो मेरा पहला स्टेट चैंपियनशिप था उसमें मैं हारा था, तो वहां से मुझे वो इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, मुझे इस गेम को जीतना है और कैसे भी मुझे इसमें गोल्ड मेडल लेना है। तो मैं फिर वहाँ प्रैक्टिस करता गया, लोगों के साथ जुड़ता चला गया और उसके बाद मैंने मेडल लगाना और स्टेट लेवल में खेलना शुरू किया। और उसके बाद मुझे नेशनल लेवल पर भी मुझे खेलने का मौका मिला। और उसके बाद मैंने 2005 में रॉयल स्पोर्ट्स क्लब और एक एकेडमी मैंने स्टार्ट किया, जिससे कि इस गेम को मैं प्रमोट कर पाऊँ, गेम को विश्व पटल पर और ज्यादा फैलाने के लिए, जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो गया या कहना चाहिए एशियन गेम्स हो गया या ओलंपिक हो गया, उस तक पहुंचाने के लिए किस तरह के प्रयास चल रहे हैं? वर्ल्ड फेडरेशन है हमारा, जिसमें लगभग 80 कंट्रीज जो है हमारी एफिलेटेड है अभी। और इंडियन आर्म रेसिंग जो फेडरेशन है, जो हमारी वर्ल्ड बॉडी से और एशिया बॉडी से एफिलेटेड है, उसमें लगभग 26 से ज्यादा स्टेट्स, 28 स्टेट्स हमारी एफिलेटेड हैं, जो हर स्टेट की ओर चैंपियनशिप होती है। जैसे बाकी गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, प्रॉपर वैसे ही गेम्स हमारी यहाँ पर चैंपियनशिप्स होती हैं। इसमें स्टेट चैंपियनशिप होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होती हैं, जो स्टेट में खेलते हैं उनका सिलेक्शन, जो फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन होती है वो नेशनल में जाकर खेलते हैं, नेशनल में जिनकी फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन लेते हैं वो वर्ल्ड में जाकर, उनका एशिया में जाकर वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत बड़े लेवल पर हमारा वो है। लेकिन जहाँ तक हम अगर कहें कि इसकी रिकॉग्निशन की बात, तो हम लोग लगभग 40-42 साल हो गए हमारी इस गेम को लेते हुए, और बहुत प्रॉपर और ऑर्गेनाइज गेम है ये। अगर आप देखें तो आर्म रेसलिंग एक ऐसा गेम है, बहुत टेक्निकल गेम है और बहुत ही इकोनॉमिकल गेम है। इसमें आप ये नहीं कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, बहुत ज्यादा आपको इक्विपमेंट चाहिए। आदमी जैसे मैं लेमैन, मैं स्कूल में था, मैं वैसे प्रैक्टिस करता था, साइकिल की ट्यूब हो गई पुरानी, उनसे प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा अपना डंबल और ये लेकर उनको प्रैक्टिस किया, वैसे हम लोगों ने मेडल लगाए अपने टाइम पर। आज की डेट में तो बच्चों के पास जिम है और अच्छे हैं, और हम लोगों ने ट्रेनर तैयार किए हैं हमारे एकेडमी से, हमारे क्लब से बहुत ट्रेनर निकले हैं जो अपना एकेडमी निकाल रहे हैं, गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन सरकार अगर इस गेम को सपोर्ट करती है तो सरकार को एक ऐसा गेम मिलेगा जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। सरकार को बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत ज्यादा जगह चाहिए उसके लिए, लेकिन आर्म रेसलिंग के लिए नहीं चाहिए। आप इसको ओपन में रख सकते हैं, इंडोर खेल सकते हैं, आउटडोर खेल सकते हैं, बीच में खेल सकते हैं, हर लेवल पे इसको आप इसको लेकर जा सकते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट आपके बिल्कुल भी नहीं। क्या कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कुछ बच्चे जो इसमें अपना भविष्य देखना चाहें? ये बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइज गेम है और बहुत पैशनेट लोग जो हैं इसमें जुड़ते हैं, जिनको कुछ करने का है और अपने आप को प्रूव करना है। क्योंकि ये गेम ऐसा है कि इसमें आप रेफरीज के पास या बाकी इसमें सिलेक्टर्स का नहीं होता कि जो बच्चा वो मैं चाहूंगा कि वही खेलेगा, वो उसमें बच्चे की स्ट्रेंथ है, मेरी स्ट्रेंथ है। अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मैं अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन लेकर मैं नेशनल के लिए आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता उसके लिए। मैं एक पैसा यहाँ पर बच्चों से नहीं लेता, हमारा एम है इस गेम को बढ़ाना आगे। और आप देखें कि इतने हजारों बच्चे हैं जो खेलते हैं, टूर्नामेंट हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पहचान हो रही है सोसाइटी में, फैमिली में एक रिस्पेक्ट की नजर से उनको देखा जाता है। आप खुद एक चैंपियन रहे हैं, तो आगे क्या कुछ आपकी तैयारी है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का? नेशनल हमारा मई में लखनऊ में नेशनल चैंपियनशिप है अभी मई में, उसके बाद हमारा एशिया चैंपियनशिप भी होने वाला है कजाकिस्तान में, और टर्की में जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। तो मेरा जो है खुद का अपना भी और मेरे स्टूडेंट्स का भी वो टारगेट है कि हम लोग वहां पर जाएं। इंडिया में ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका पैसा नहीं होता। वो कहीं जो बच्चे पैसा अरेंज कर पाते हैं वो बेचारे आगे चले जाते हैं। लेकिन आज भी इंडिया में अब थोड़ा सा लोग आगे आए हैं, कंपनीज, कुछ कुछ कंपनीज आगे आ रही हैं, किन किन स्टेटों में लोग आगे आकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थे लक्ष्मण सिंह भंडारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये गेम जो है
वो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है और भारत जो है वो इस गेम की जननी के तौर पर सामने है। हाँ, कुछ आर्थिक मोर्चे पर जरूर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है, लेकिन उनका ये भरोसा है कि आगे आने वाला समय इस गेम के लिए बेहतरी की एक नई दिशा को खोलेगा। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।